हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इज अंकिता सोद एंड स्टूडेंट्स आज से मध्य प्रदेश सेट पेपर वन प्रिपरेशन के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट को जिसमें हम एमसीक्यूज की मदद से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की गारंटी देते हैं तो सबसे पहले हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में आपके साथ शेयर करने वाले हैं जनरल सो जनरल का मतलब होता है फुल फॉर्म्स सो आईसीटी यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं वो सभी इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं उसके साथ ही हर एक एवरीवेशन की डिटेल डिस्कशन भी हम करेंगे ताकि अगर उस टॉपिक में से कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो भी आप लोग इजिली अच्छा स्कोर कर सको सो so, इसी के साथ, students, MPZ, के साथ स्टूडेंट्स पेपर प्रिपरेशन लिए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है जिसके साथ हम आपको 100 परसेंट सिलेक्शन की गारंटी देते हैं एग्जाम का क्या पैटर्न है क्या लेटेस्ट सिलेबस है और क्या डिफिकल्टी लेवल है इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें हमने क्वेश्चन बनाए हैं एंड इसमें से आपको क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल सकते हैं सो so, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पच्चीस से तीस क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे सो so, इसमें आपको 40 से भी ज्यादा टेस्ट मिलते हैं एंड हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है साथ ही आपको फुल सिलेबस यानी कि टोटल 10 यूनिट्स के शॉर्ट नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आपके सारे भी क्लियर हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है इस कम समय में स्मार्ट वे में कैसे तैयारी करनी है ये इस टेस्ट सीरीज से आप लोगों को पता चल जाएगा तो आप आज ही नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है वो भी तरफ ट्रिपल नाइन एंड उसके साथ ही मैं आपको ये भी श्योरिटी देती हूँ कि इसके अलावा आपको एमपी पी पेपर वन के लिए कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अलावा फ्री सेशंस के लिए आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऐप है एंड इसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा आज का पहला क्वेश्चन है यू तो यहाँ पे पूछा गया है यू आर फॉर किसकी फुल फॉर्म क्या होती है पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर यूनिफाइज रिस्पॉन्स लोकेशन एंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो बेसिक पता नहीं होते तो वो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं ठीक है तो अब जैसे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि यू आर एल एग्जेक्टली होता क्या है सो so ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिस जो कि यूज किया जाता है टू लोकेट अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट तो इंटरनेट में जो भी चीज़ें होती हैं उनको रिसोर्स उन रिसोर्सेस को लोकेट करने के लिए उनका एक प्रॉपर एड्रेस दिया जाता है जिसको कि यू बोलते हैं ठीक है ठीके? तो कभी भी आप लोग इंटरनेट जब मोबाइल पे चलाते हो या फिर लैपटॉप पे यूज करते हो ठीक है तो एच इस तरह से जैसे आप लोग मान लीजिए लिख रहे हो ग्लोबल ऑनलाइन डॉट कॉम ठीक है तो ये जो है ये ग्लोबल ऑनलाइन का यू है एक यूनिक एड्रेस है तो यू आर एल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स दैट इज ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर सेकेंड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ वैन फर्स्ट ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्किंग वाइड एरिया नोटेशन वाइड एरिया नेटवर्क एंड विर्थ एरिया नेटवर्क ठीक है सो ये जो है आईसीटी में नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हर साल आईसीटी में नेटवर्किंग पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ठीक है तो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ द राइट आंसर दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है तो ये क्या होता है ये एक जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स को एक इंटरनेट की हेल्प से जो है कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? सो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बहुत ज्यादा इसकी रेंज होती है जैसे इंटरनेट है इंटरनेट के थ्रू आप लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी कम्युनिकेट कर सकते हो फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो तो ये जो है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है वैन का नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ टी पी सो एफ टी पी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल फ्लॉपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है सो एफ टी पी का मतलब क्या होता है ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ठीक है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि टीसीपी एंड आईपी में यूज किया जाता है तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है सो वैसे ही एफटीपी भी इन्हीं की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग इंटरनेट के थ्रू फाइल को कोई भी डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोटोकॉल मतलब रूल्स ठीक है तो फाइल को ट्रांसफर करने के जितने भी रूल्स हैं जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो सब चीजें एफ ही हमेशा हैंडल करता है अब जैसे हम कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं ठीक है कंप्यूटर पे अपने मोबाइल पे तो उसके लिए भी एफ टी पी ही रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द फुल फॉर्म फुलस बी एज यूज इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है सिंपल यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक यूनिवर्सल सीरियल बस यूनाइटेड सीरियल बस और अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक तो यूएसबी क्या होता है इसको हम लोग प्लग एंड प्ले इंटरफेस भी बोलते हैं प्लग एंड प्ले इंटरफेस ठीक है जिसके थ्रू ये हमें अलाउ करता है कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल एंड अदर डिवाइसेस ठीक है अब जैसे यूएसबी केबल्स आप लोगों ने सुनी होगी ठीक है लैपटॉप के साथ जैसे मान लीजिए कि ये लैपटॉप है लैपटॉप से अगर मुझे अपना मोबाइल कनेक्ट करना है तो एक ऑप्शन तो ब्लूटूथ होता है दूसरा जो हम लोग केबल यूज़ करते हैं ना उसको हम लोग यूएसबी केबल भी बोलते हैं ठीक है दैट इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस

मार्कअप लैंग्वेज ठीक है एच डी एम एल में सी एस एस को यूज़ करते हैं डिजाइनिंग के लिए अगर हम लोगों को बहुत अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट को अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन देना होगा उसमें बहुत अच्छे एलिमेंट्स ऐड करने होंगे तो वहां पर हम लोग सी एस एस को यूज़ करते हैं सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन दैट इज़ का स्टाइल शीट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूक स्टैंड फॉर तो मूक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये हायर एजुकेशन जो कि पेपर वन में यूनिट नंबर टेन है एंड पेपर वन में जो यूनिट नंबर वन है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आई ये तीनों यूनिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है तो मूक की फुल फॉर्म क्या होती है मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स मीडिया ओपन ऑनलाइन क्लास मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लास ठीक है तो मूक क्या होता है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको कि बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट्स यानी कि इसमें कितने भी स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं ठीक है एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं ठीक है इसको हम लोग इंटीग्रेटेड सोशल नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं जिससे कि हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज को ऑनलाइन रिसोर्सेज को जो है वो यूज कर सकते हैं ठीक है इसके थ्रू हम लोग अपने नॉलेज को अपने स्किल्स को अपने कॉमन इंटरेस्ट अपने गोल्स इन सबको जो है एनहांस कर सकते हैं इन सबको पॉलिश कर सकते हैं ठीक है सो मूक स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डब्ल्यू 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 आप लोगों ने सुना होगा डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम ठीक है ग्लोबल ऑनलाइन डॉट कॉम ठीक है तो ये क्या होता है वर्क विद वेब यानी कि इंटरनेट के साथ काम करना वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब एंड वर्थ वाइल वेब ठीक है तो वेब का मतलब होता है इंटरनेट ठीक है वर्क हो गया काम करना वर्ल्ड हो गया पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में जो ज्वाइन करता है ठीक है तो डब्ल्यू 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 का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज ऑप्शन नंबर टू ठीक है तो ये क्या है ये एक यूनिवर्स है ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन यानी कि पूरे वर्ल्ड से हम लोग वेब के थ्रू इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी क्या कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं अब अगर आप लोग www.google.com पे जाते हो तो यहाँ से आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी जानकारी ले सकते हो फेसबुक www.facebook.com www पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप लोग फेसबुक को एक्सेस कर सकते हो वो आपको सेम ही दिखेगी सेम फंक्शन सेम फीचर्स ये सब चीजें ठीक है थीके? तो ये क्या है ये यूनिवर्स है ठीक है यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एएलू एल यू मतलब अमेरिकन लॉजिक यूनिट ऑल्टरनेट लॉजिक यूनिट ऑल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट या फिर अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट तो एएनयू क्या होता है ये जो इसे हमारे पास सीपीयू होता है कंप्यूटर में ठीक है तो सीपीयू तो हम लोगों को एक बॉक्स दिखता है लेकिन इसी के अंदर एक इंटरनल पार्ट होता है एलयू एक होता है सीयू एंड एक होता है मेमोरी यूनिट जिसको कि एमयू बोलते हैं ठीक है थीके? तो एएनयू एक सीपीयू के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो कि हैंडल करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को यानी कि अर्थमैटिक कैलकुलेशंस या फिर ये जितने भी फंक्शंस होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में उन सबको हैंडल करने के लिए ए एल यू रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैन स्टैंड फॉर अभी हमने लिखा था वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क सो लैन मतलब लोकल एंड नेशनल लोकल एरिया नेटवर्क लार्ज एरिया नेटवर्क या फिर लाइव एरिया नेटवर्क इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज ऑप्शन नंबर टू ठीक है तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है ठीक है एक बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं हर एक फ्लोर पे हमें क्या करना है इन सभी कंप्यूटर्स को एक ही इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करना है जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर लैब है हमारी यूनिवर्सिटी में ठीक है उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन यूज़ किया जाता है सबसे लोएस्ट रेंज होती है यानी कि एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आता है हमारे पास मैन यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए मैन यूज होता है इसी तरह से हमने क्या किया मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट कर लिया सो मल्टीपल सिटीज का एक नेटवर्क बन गया ठीक है तो इस पूरे नेटवर्क को क्या बोलेंगे वैन बोलेंगे दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क तो ये सब चीजें डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कंप्लीट प्लेलिस्ट की आप लोगों को जो है लिंक शेयर कर दूंगी आप लोग उनको अच्छे से देख सकते हो एंड इन टेन जो एवरीवेशन है इसके अलावा भी आईसीटी में बहुत ज़्यादा एवरीवेशन है जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ठीक है सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जेपीईजी ठीक है तो जेपीईजी क्या होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ज्वाइंट फोटो एंटिटी ग्रुप ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट्स गैप ज्वाइंट फोटो एंट्री ग्रुप ठीक है तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी इमेज जब हम लोग सेव करते हैं या डाउनलोड करते हैं उसमें लिखा होता है जैसे ए बी सी मान लो इमेज का नाम है डॉट जे पी ई जी या फिर लिखा होता है जे पी जी ठीक है ई नहीं होता तो ये क्या होता है ये एक इमेज का टाइप होता है इमेज का एक्सटेंशन होता है ठीक है ये क्या है एक इमेज का बहुत ज़्यादा पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है इसको बेसिकली जो डिजिटल कैमरा में फोटोज़ होती है ना उसमें यूज़ किया जाता है अब तो हर कहीं पे यूज़ करते हैं इन चीज़ों को ठीक है ऐसा कोई मेजर इसमें डिफरेंस नहीं है ठीक है सो इसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप दैट इज़ ऑप्शन नंबर वन इज़ द राइट इसी के साथ स्टूडेंट्स एम पी सेट पेपर टू प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, हैं जिसमें आपको पेपर टू के फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है इसमें से एज इट इज एग्जाम में आएंगे एंड आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में ये बहुत मदद करेगा इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसके बाद जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसमें भी ये एमसीक्यूज और नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे सो so, स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो पेपर टू के सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है इसमें पेपर टू देखिए एंड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए फ्लैट ट्वेंटी परसेंट ऑफ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो बहुत ही अच्छा ऑफर है आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो एट जस्ट रुपीज सो डेमो so, सेशंस के लिए भी आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो